सब्सक्राइब कीजिए द कॉमर्स ट्यूटर यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 नेचर और सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के लास्ट लेक्चर में इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन या नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है ये डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, इसके बाद जो है हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। लेकिन इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कृपया इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। इन वीडियोज़ को अपने क्लास 12 के फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके और उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोज़ बनाने को। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये क्या करता है आप सभी को पता है, ये इंटीग्रेशन का काम करता है, सबको एक साथ लाने का काम करता है, सबको एक साथ लेकर चलने का काम करता है, सभी की एफर्ट्स को एक दिशा में एक दिशा देने का काम करता है कि जिस तरफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसी डिरेक्शन में सभी एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स भी काम करें, ये कोऑर्डिनेशन ही तय करता है। वरना क्या होगा, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हर कोई अपने हिसाब से काम करेगा, कोई भी एक दूसरे के काम के साथ तालमेल मिला के नहीं चलेगा तो ऑर्गेनाइजेशन की जो गोल है वो नहीं अचीव हो पाएगी। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं जिसके लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि क्या क्या कारण है कोऑर्डिनेशन की इतनी इंपॉर्टेंट होने की, वजह क्या है। तो सबसे पहला है ग्रोथ इन साइज। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन में अगर 4 से 5 बंदे ही काम करते हैं, मान लो एक छोटी सी बिजनेस है जहाँ पर एक शॉप है और वहाँ 4-5 बंदे काम करते हैं, एक ओनर है और उसका 4 स्टाफ है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट जो है वो कम होगी, क्योंकि कम लोग काम कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन जो है वो थोड़ा इजीली बन जाएगा, उतना ज़्यादा केओस नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन की साइज ग्रो होती है, अब हर बिजनेसमैन हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि उसकी साइज में ग्रोथ आए, यानी कि स्केल ऑफ ऑपरेशंस जो है बिजनेस की वो ग्रो करें, वो बढ़ें। तो बिजनेस कब ग्रो करेगी, जब आपके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बढ़ जाएंगे, जब आपके नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस बढ़ जाएंगे, डिपार्टमेंट्स में ब्रांचेस में इंक्रीमेंट होगी, बढ़ेंगे तब बिजनेस भी साइज में ग्रो करेगी। तो जैसे ही आपके बिजनेस में साइज का ग्रोथ होता है तो उसके साथ क्या चीज़ें ग्रो करती हैं, नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती हैं, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है कि जब लोग बढ़ जाते हैं तब उनको एक साथ एक लय में और एक दिशा में काम करवाना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और वहाँ पर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है इस फंक्शन की, और मैनेजर्स को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग यूनिट्स में जितने भी लोग काम कर रहे हैं हमारे बिजनेस में वो सभी एक तरह से एक तालमेल और एक लय बना के काम करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो पाएँ, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है देखो एक बार पढ़ते हैं हम। द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन देयर आर मोर नंबर ऑफ पर्सन्स वर्किंग, ईच इंडिविजुअल हैज हिज ओन नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, सो देयर इज मोर नीड टू ब्रिंग टुगेदर और सिंक्रोनाइज द एफर्ट्स ऑफ दीज एम्प्लॉयज टूवर्ड्स कॉमन गोल। तो एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में जब ऑर्गेनाइजेशन की साइज बढ़ती है तो वहाँ पर जो काम करते लोग उनकी संख्या भी बढ़ती है, और जब बहुत सारे लोग इकट्ठा काम कर रहे होते हैं तो हर इंडिविजुअल बंदे की अपनी अलग नीड्स और अपने अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। कोई किसी से कंपटीशन करके आगे पहले प्रमोशन पाने की कोशिश करता है, और कोई किसी को नीचा दिखा के अपने एम्प्लॉयर के नज़र में बड़ा बनने की कोशिश करता है। तो इन सारी बातों को दबाकर सभी लोगों को एक साथ लेकर मिलजुल कर चलने का जो प्रोसेस है वही कोऑर्डिनेशन है, और जितना ग्रो करेगा बिजनेस साइज में उतना कोऑर्डिनेशन का इम्पोर्टेंस भी जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एम्प्लॉयज़ मे हैव देयर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, फॉर ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स थ्रू कोऑर्डिनेशन। तो एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके खुद के अपने कुछ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे उनको खुद को प्रमोशन पाना होता है, अपने कोवर्कर से अपने आप को बेटर साबित करने की होड़ रहती है, ठीक है, ज़्यादा बोनस पाने की चाह रहती है या ज़्यादा कमीशन पाने की चाह रहती है। तो उन सब केसेस में मैनेजमेंट को ये देखना है कि ऐसे कैसे काम करवाया जाए उन लोगों से कि उनकी अपनी इंडिविजुअल गोल्स तो पूरी हो ही, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशनल की एफिशिएंसी और उसके गोल्स भी अचीव हो जाएं थ्रू कोऑर्डिनेशन। तो ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा।
इसके बाद जो है पॉइंट वो है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। तो चलिए एक बार पढ़ के देखते हैं इसमें क्या लिखा है। द फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट सेक्शन और डिवीजन एंड ईच डिपार्टमेंट वर्क्स इन आइसोलेशन बाय गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू इट्स ऑब्जेक्टिव। तो एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, अलग अलग डिविजन्स होती है, ठीक है, जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग सेक्शन होते हैं, अलग अलग डिवीजन होते हैं, और हर डिपार्टमेंट या ये सेक्शन जो है वो अपने आप में अलग तरीके से पूरी तरह से अलग काम करता है और अपने ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देता है। जैसे कि मान लो एक बहुत बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैंने लिख दिया यहाँ पर, और उसके अंडर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि एग्जाम्पल लेते प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, परचेज डिपार्टमेंट हो गया, उसके बाद सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। तो ये चार डिपार्टमेंट्स मान लेते हैं, तो इन चारों डिपार्टमेंट्स का अपना अपना अलग ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है कि उसको इतना टारगेट प्रोडक्शन अचीव करना है, कॉस्ट कम करनी है प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन में एफिशिएंसी और क्वालिटी में सुधार लाना है, तो ये सारी चीज़ें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हो गए। परचेज डिपार्टमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि अच्छी क्वालिटी का सामान खरीदना है, कम से कम प्राइस में सामान खरीदना है, ठीक है। सेल्स डिपार्टमेंट के अपने अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमारे रेवेन्यू को सबसे ज़्यादा बढ़ाना है, सेल्स की नंबर बढ़ानी है। और फिनांस डिपार्टमेंट का क्या काम रहता है, फिनांस डिपार्टमेंट का ये काम रहता है कि ये सारी डिपार्टमेंट्स जो चल रही हैं इनमें जो खर्चे हो रहे हैं उसके लिए पैसों की कभी कमी ना पड़े, हमको चीप सोर्स ऑफ फंड्स कहाँ से मिल रहा है वहाँ से फंड्स अरेंज करेंगे ताकि हमारी पूरी बिजनेस की जो प्रोसेस है वो तो बिना पैसों के चल नहीं सकती, तो उसके लिए पैसों का इंतज़ाम सही तरीके से जब ज़रूरत पड़ेगी तब हो सके। तो ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो अपने अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स लेके चल रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये चारों डिपार्टमेंट्स आपस में अलग अलग हो सकते हैं लेकिन ये सब इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है, क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट जो परचेज करती है वो किसके लिए करती है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए, ताकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन कर सके, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन करती है किसके लिए, ताकि सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो उसको सेल कर सके, और फाइनेंस डिपार्टमेंट किस लिए है, इन तीनों को पैसों से मदद करने के लिए है क्योंकि सब काम में पैसों की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये चारों जो है वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए ही काम कर रहे हैं। तो जहाँ पर फंक्शनल डिफरेंशिएशन हो जाता है, जब आपके हर काम के लिए, हर फंक्शन के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट या सेक्शन बने हुए होते हैं, तो फिर इन डिपार्टमेंट्स में जो लोग काम कर रहे होते हैं वो सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो कोऑर्डिनेशन की मदद से उनमें ये भाव डाला जा सकता है कि हम अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी काम कर रहे हैं तो भी हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही काम कर रहे हैं और हमको बाकी डिपार्टमेंट से ताल मिलाकर ही काम करना पड़ेगा, उनके साथ समन्वय बनाकर काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा है कि एक्चुअल प्रैक्टिस में जितने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं ये इंटरलिंक और इंटरडिपेंडेंट होते हैं, आपस में लिंक्ड होते हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे मैंने कि आपको बताया। तो इसीलिए इन चारों डिपार्टमेंट्स में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना हो जाए, इन चारों डिपार्टमेंट्स में जो तालमेल है उसमें कमी ना हो जाए, इसलिए कोऑर्डिनेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ओके, थर्ड पॉइंट है स्पेशलाइजेशन। इन लार्ज एंड मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन देयर इज हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड द स्पेशलिस्ट्स और एक्सपर्ट्स फील दैट दे आर द ओनली क्वालिफाइड पीपल एंड दे ऑलवेज टेक राइट डिसीजन इन राइट डायरेक्शन। अब ये चीज़ देखो यहाँ पर क्या लिखी है, यहाँ पर लिखा है कि लार्ज, बड़े और मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनमें क्या होता है कि उनमें हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन होता है। अब प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन के एक्सपर्ट्स होते हैं जो प्रोडक्शन के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानते हैं, परचेज डिपार्टमेंट में जो है मार्केट एक्सपर्ट्स होते हैं जो कहाँ से अच्छी क्वालिटी का सामान परचेज किया जा सके उसकी नॉलेज रखते हैं। तो हर डिपार्टमेंट में अपने अपने लेवल पे एक हाईली स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट होता है और इन एक्सपर्ट्स की सोच ऐसी होती है कि मैं जो जानता हूँ मैं ही सबसे ज़्यादा जानता हूँ, बाकी लोग मेरे जितना नहीं जानते हैं या मेरे से कम नॉलेज रखते हैं, ऐसी इनकी सोच बन जाती है। तो उस केस में अगर ऐसी सोच को बढ़ावा मिल जाएगा तो फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले परचेज वाले की बात नहीं सुनेंगे, परचेज वाले सोचेंगे कि प्रोडक्शन वाले को उतना कुछ पता नहीं है, वो फिर प्रोडक्शन की बात नहीं सुनेंगे, सेल्स वाले फिर इन दोनों की बात नहीं सुनेंगे, तो आपस में जो तालमेल है वो नहीं बन पाएगा।
तो स्पेशलाइजेशन के केस में ऐसा जनरली होता है, हर कोई अपने आप को दिग्गज मानता है और दूसरे की बात को सुनने को तैयार नहीं होता है। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन का यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिस डिपार्टमेंट में या जिस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन हो, ठीक है, यानी कि हर अलग अलग काम को करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड बंदा हो वहाँ पर अपॉइंट किया हुआ, तो उसमें केओटिक सिचुएशन होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। और इसको एक ही चीज़ कम कर सकता है या इस केओटिक सिचुएशन को एक ही चीज़ जो है वो गायब कर सकती है, और वो है कोऑर्डिनेशन। तो अगर सभी एक्सपर्ट्स एक साथ कोऑर्डिनेट करके काम करने में सफल हो जाए तो फिर कोई केओस और कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इसीलिए सारे डिपार्टमेंट्स में चाहे एक्सपर्ट्स ही क्यों ना हो, फिर भी उनकी एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करके चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी जाके मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाएगा इन स्पेशलिस्ट्स का भी। क्योंकि हमने स्पेशलिस्ट्स को क्यों रखा है, क्योंकि स्पेशलिस्ट के जो सर्विस है उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट निकाल सके। लेकिन ये स्पेशलिस्ट लोग ही अगर आपस में लड़ने लग जाएं, अगर आपस में एक दूसरे से कहें कि मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन ना रहे, तो आप इनकी बेनिफिट जो है वो नहीं ले पाएंगे। ये लोग लड़ झगड़ के केओस और कन्फ्यूजन वाला सिचुएशन क्रिएट कर देंगे। इसलिए स्पेशलाइजेशन जहाँ पर है वहाँ पर कोऑर्डिनेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये तीन पॉइंट्स थे जो कि था इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, जो कि आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो काफ़ी छोटा सा वीडियो था, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और एक चीज़ जो मैं आपसे खास करके जानना चाहता हूँ कि आप अपने वीडियो रिलेटेड फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, जो टॉपिक्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आप इन वीडियोस में किसी तरह का चेंज या सुधार चाहते हैं तो वो क्या करना चाहिए मुझे, ताकि जो टॉपिक्स हैं वो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में जो सुझाव है वो आप नीचे दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं हर कमेंट को इंडिविजुअली पढ़ता हूँ और मैं इन बातों का अगले वीडियोस में ध्यान रखने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो से हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, तो हमारे साथ आप ऐसे ही बने रहिएगा।